वाली जगह बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इस वाली जगह पे हुई थी आरआरआर की शूटिंग। ओ भाई साहब, इन्फ्लुएंसर तो नहीं है पर क्रिएटर जरूर है। ऐसा लग रहा है GTA 5 में देख रहे नहीं, उधर फेरे चाट दो पिक्चर तो इधर चांद। स्टार्टिंग कर रहे हमारे डे को, ब्रेकफास्ट से ब्रेकफास्ट हमने कर लिया। मुझे हो रहा है कि सिर्फ 10% देखा, इतने दूर आके हैदराबाद आके इस चीज़ को देख रहा हूँ। देखूँ तो पूरी तरीके से पूरा ही देखूँ ना, पहले फंक्शन वंक्शन वगैरह जो भी चीज़ है वो निपटा था, इसके बाद वापस आपसे बात। फंक्शन तो यहाँ पे हो रहा है बट ये वाली जगह बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इस वाली जगह पे हुई थी आरआरआर की शूटिंग, जो बाइक वाला सीन था यहीं पे जो शूटिंग हुई थी वो इसी एरिया में हुई थी, देख सकते हो। अब प्लेस दिखने में इतनी नॉर्मल लगती है बट फिल्मों में इतना अच्छा बना देते हैं और उस फिल्म वाली जगह पे आने का अलग ही फील है, तो फिल्म से फील तक अलग ही मजा है। देख रहे हैं हमारा सेटअप यहाँ पे, मतलब यहीं वेडिंग हो रही है, यहीं शूटिंग हुई थी। जगह का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, उस जगह को कितना बनाना है, क्या बनाना है, वो अपने ऊपर है। बाकी तो रामोजी फिल्म सिटी नाम ही का। तो जी हो चुकी है शाम, अभी बजे हैं 5:20। इतना बड़ा स्टेज ये भैया काम कर रहे हैं, बड़ा 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 और भी बड़ा, और ये इनका परमानेंट। अरे यार मतलब क्या ही है ये यार, कितना बड़ा दिख रहा है। मैं पूरा हाथ लंबा कर रहा हूँ तो भी शायद फुल कवर हो रहा होगा, मुझे आइडिया नहीं है, बट इट्स डैम बिग ब्रो। स्टेज के ऊपर आया, स्टेज के ऊपर से ऐसा कुछ दिखता है, इतने बड़े स्टेज पे खड़े होने का। अब पता नहीं कब यूट्यूब के स्टेज पे जाएंगे बट इस स्टेज पे तो आ ही चुके, वहाँ भी चले जाएंगे, कोशिश तो की, बाकी देखते हैं। ओ भाई साहब ये क्या देख लिया, गजब भाई गजब, क्या लैंडस्केप है यार। और यहाँ पे शूट होना, वेडिंग होना, मतलब मैं एज ए कॉन्टेंट क्रिएटर या फिर जो वेडिंग वाले होते हैं उनके नज़र से देख रहा हूँ किस तरीके से करते होंगे भाई साहब। वो अलग फ्लोर है, वो अलग फ्लोर है, ये अलग फ्लोर है, ये अलग फ्लोर है, तो 1, 2, 3 and 4 फोर पार्ट्स में डिवाइड कर। गजब भाई गजब, मतलब इस चीज़ को लाइव देखना अपने आप में एक प्राउड मोमेंट फील हो रही है। मेरे साथ यहाँ पे कोई है नहीं कैमरा पकड़ने के लिए, पिक्चर्स क्लिक करने के लिए, तो अपन कुछ ऐसी कुछ फ़ोटो ले लेते हैं। बाकी मम्मी का बोलना है कि जहाँ भी जाता मैं फ़ोटो खिंचवाता नहीं हूँ, मैं खिंचवाऊँ इसके साथ कोई है नहीं, ये देख लो मैं अकेला हूँ, तो एक सेल्फी ले लेते हैं, थंबनेल पे वही डाल देंगे। तो इन्फ्लुएंसर तो नहीं है पर क्रिएटर जरूर है। आए आए क्या बात, भैया मिल गया अपन को, भैया भी फोटो वोटो क्लिक कराने आए थे, अपन ने भी क्लिक कर दिया, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, अरे हाथ तो मिला लो, थैंक यू। चलिए जी अब वापस चलते हैं अपन, अपना काम हो गया। देखिए जी वैसे जो व्लॉग है मैं कैमरे से भी बना सकता हूँ बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी एडिटिंग जो है मैं फ़ोन पर कर रहा हूँ, तो वो उसको मर्ज करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही क्योंकि फाइल्स आगे पीछे हो जाती है एडिटर ऐप में मेरे, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो तब तक थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। और लैपटॉप तो वैसे भी चाहिए तो उसकी कोशिश चल रही है कि वो आ जाए, तो हमारा जो वर्क फ्लो है ईजी हो जाए, फास्ट हो जाए। क्या ही जगह है यार, अब इसके लिए मैं क्या ही कहूँ, कलरफुल कलरफुल एंड कलरफुल, बड़ी भी है। हो चुके 7:30 बज चुके हैं, टाइम हो चुका है गेस्ट के आने का, हमारा सेटअप भी रेडी है, हम भी रेडी है शूट करने के लिए, बस एंट्री की तैयारी। वेदर जो एकदम प्लेजेंट हो चुका है, उदयपुर में ज़्यादा ठंड है और कहीं पे ज़्यादा गर्मी, दिन में थोड़ी गर्मी लगती है बट ठीक है, सह लेंगे थोड़ा सा वाला सीन है, बट कोई बात नहीं। स्टेज क्या मज़ेदार स्टेज है, एक कोशिश करेंगे बीच में जाके फोटो खिंचा लें, बस अपना रामोजी हो जाएगा क्योंकि क्या है कि टाइम मिल नहीं रहा, आप चाहता तो उस पेड़ के साथ भी देखता हूँ, फोटोग्राफर भैया से बात करता हूँ, एक आध फोटो वो मेरे क्लिक कर दे मैं उनको क्लिक कर दूंगा। बार्टर कोलैप्स जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा, तू मान मेरी जान, मुझे जाने।
मॉर्निंग, आज है डे 3, हैप्पी रिपब्लिक टू ऑल। आज 26th जनवरी है, थर्ड डे है रामो की फिल्म देखने, यहीं से आप लोगों को बोलते हैं हैप्पी रिपब्लिक डे। अभी यहाँ पे फंक्शन होने वाला था, बस वही प्लान कर रहा हूँ कि इस जगह को किस तरीके से शूट किया जाए, किस तरीके से BTS लिया जाए। तो सोचा ये है कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते करते एंटर करेंगे, पूरा इसका चक्कर लगाएंगे, इसको लूंगा मैं टाइम लैप्स के अंदर, तो देखते हैं कैसा आउटपुट आती चीज़। और आप अगर शूट का BTS देखना चाहते हैं, किस तरीके से मैं शूट करता हूँ, किस तरीके से मैं प्लान करता हूँ, या मेरे दिमाग में क्या है, तो प्लीज़ मेरे को बताना, तो एक आध ब्लॉग उस पर भी अपन बना देंगे। तो एक थोड़ा सा BTS का मैंने कहा ये ऐड करते हैं, वरना ब्लॉग थोड़ा सा बोरिंग ना हो जाए कहीं आप लोगों के लिए, क्योंकि अब 2-3 दिन का शायद कंबाइन ही होगा, और जब भी ऐसा वेडिंग वाला होता है मेरा कंबाइन ब्लॉग ही आता है, क्योंकि ज़्यादा ब्लॉग बना नहीं सकता हूँ, क्योंकि ऐसे मना कोई करता नहीं होगा, क्या कि जो काम करने के लिए है वो काम पहले करें ना, तो वो ज़्यादा जरूरी है। आलू का कुछ नहीं कर सकते भैया, उदयपुर जाते कटवाने पड़ेंगे। आ चुके हैं, हाथ ही दुखने लग गया भाई साहब मेरा, तो पहली वेडिंग ऐसी नहीं, ये दूसरी वेडिंग ऐसी है जिसमें मेरा हाथ दुखने लग गया, कैमरा गया, फ़ोन को पकड़ पकड़ के, क्योंकि वैसा चलना भी बहुत पड़ रहा और दिन भी थकना पड़ रहा लंबे लंबे टाइम तक। मतलब आप देखो ना, वहाँ से ठेठ यहाँ तक आया, वो देखो बस भी वो जा रही है, बस भी कितनी छोटी लग रही था, आप इमेजिन कर लो। उदयपुर जाके भी बैक टू बैक एक या दो वेडिंग्स है, वो भी निपटानी है, तो पहले ही अगर एडिट हो जाएगा तो ज़्यादा बढ़िया जाएगा। आ चुके इस वॉल के पास, और यहाँ की भाई साहब वाइब भी अलग, क्योंकि वीडियोस में और इस समय बहुत बार देखा है, बट लाइव एक्सपीरियंस करने का फील ही कुछ अलग है। तो ये रहा रामोजी फिल्म सिटी का गेट, यहाँ पे जो है आपको ये वाला फील देखने को मिलता है। तो जो फर्स्ट डे सोचा था कि हैदराबाद में आगे हमको कार देखने को मिलेगी, वो दिख चुकी है, ये है कार G Wagon Mercedes G Wagon, अभी आ रही है, देखो वहाँ पर टर्न हो रही है, तो उसको देखते हैं, नज़र है तो मेरी रुकी हुई है, फटाफट से आ जाए तो साउंड वाउंड सुनने को मिल जाएगा, तो फिर मजा आ जाएगा भाई मजा, कि क्या लग रहे लिए ऐसा लग रहा है GTA 5 में देख रहे नहीं। सो दिस वाज द मर्सिडीज जी वैगन, गजब की गाड़ी भाई साहब। इतने बड़े ग्राउंड में हम हैं, भैया का ड्रोन कहाँ गया, अरे वो उड़ रहा है ग्रीन वाला, तो देख लीजिए इतने बड़े ग्राउंड में हम इतने, देखिए जी बहुत वो छोटा स्क्रीन नहीं आ रहा है, हम एकदम मेले बैठे हैं, आ गया आ गया आ गया, और ज़ूम और ज़ूम, उधर फेरे फाड़ दो, पिक्सल फाड़ दो फाड़ दो, इधर चांद भाई 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 भाई, अरे वाओ प्रीटी प्रीटी सही में दिखता है, मैं जा रहा हूं मेरा 22 अल्ट्रा रुक जाओ, आइए बताओ दिखता तो है यार, ओ भाई और क्लियर हो गया, इससे क्लियर तो नहीं दिख पाएगा भाई, देखो S22 का कमाल गाइस, डू से यू शुड बॉट दिस, इट इज मच 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 बेटर देन iPhone 13, नहीं 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 कट कट, iPhone क्या ऐसी दे सकता है, आप मुझे बताओ अगर iPhone ऐसा दे सकता है, देखो 15-16 आ जाएगा फिर तब तो S23 भी आएगा, बट दिस इज ब्रो मैन, दिस इज मजा आ गया यार, कुछ तो बात तो है, मतलब हम तो जा ही नहीं सकते, बस इतना जा सकते हैं, इतना मैक्स है हमारा तो, और हम तो अभी तक 100 तक गए नहीं सर, और JBL पूरा ये देख, नो नो नो, ये भी S22 देख रहे हैं, स्माइल देख रहे हैं, अमन एंड हिज ब्रदर हार्दिक वाज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, ये है पूरी टीम भैया की, पहली बार सबको साथ में देख रहे हैं, हाय कर दो सर, हाय 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 हाय, तो जी लास्ट डे है सबका साथ में, वापस में निकल जाएंगे, रेडी है भैया, तो बिजी रहते हैं फ्लोर में, बस नहीं एक तरफ ये भाई, एक तरफ क्योंकि रूम का शेडो ये था, ये सामान उठा उठा के भाग रहे हैं हर जगह सुबह से शाम इधर उधर, इसको बहुत दिखेगा देखिएगा। तो जी टुडे इज द लास्ट डे एट रामोजी फिल्म सिटी, वेडिंग तो कल ओवर हो गई बट आज हमारा ऑफिशियली फाइनल डे है यहाँ पे, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, लड़कों का रूम किस तरीके का हो जाता है देखिए, मतलब कहाँ पे क्या क्या सामान बिखरा, यहाँ पिल्लो पड़ा हर कुछ ही, मतलब क्या ही भसड़ मचेगी भाई साहब, 4 दिनों में मज़ा आ गया, पर यह एक्सपीरियंस भी बहुत अलग और नया था मेरे लिए, आपको कैसा लगा वो तो आप ही बता पाएंगे, अमन भी और मैं जो है वही दोनों जो है रुकने वाले, बाकी सब जने चले जाएंगे हमारी टीम वाले, तो रामोजी फिल्म सिटी घूमने का हो पाता है, ट्राई करते एक बार, भैया को बोलता तो 1-2 घंटे से 1-2 जगह ही सही देख के तो आएंगे कम से कम।